हम ये बात सुन रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी पार्टी के बीच में, तो पार्टी वाले का हिम्मत नहीं है रोड पर चलने का, और हम 9 महीना से बीच बन के रोड पर चल रहे हैं। भाजपा वाला कह रहा है कि हम नीतीश के बीच में, नीतीश कह रहे हैं हम भाजपा के बीच में, पहले वापस में तय कर लेते किसके बीच में। आप जरा बताइए कि हम अपना घर परिवार सुख सुविधा सब ऐसो आराम छोड़ के गाँव गाँव पैदल पैदल 9 महीना से चल रहे हैं किसी के बीच के लिए? ये दिमाग अपना लोग टाखा पर रख दिए हैं। अरे भाई, हमारा लड़का यहाँ कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है, यही ए टीम बी टीम करके तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं तो भोगिए, हमको बी टीम कहिए सी टीम कहिए हमको क्या कर लीजिएगा? हमको यहाँ कोई आके पैसा कमाना है, हमको यहाँ आकर नेतागिरी करनी है। हमने तो वो चीज 10 साल में किया हुआ है। जो बिहार का नेता कोई अचीव करेगा जीवन में कभी पाएगा उतना चीज, उससे तो बड़ा हम 10 साल में करके छोड़ कर तब आए हैं ना। हमको किसी का बीच में बनने क्या जरूरत है? हम अपना काम कर रहे हैं, जो हम समझते हैं समाज के लिए जरूरी है वो कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो जुड़े, और न अच्छा लगे तो जिस नेता का, जिस दल का, जिस विचारधारा का झंडा लेकर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं कीजिए, कीजिएगा तो भोगिएगा। आपके बच्चे भोगेंगे, गरीबी में आप जी रहे हैं, पढ़ाई और रोजगार के लिए आप दर दर का ठोकर खा रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर का हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, आपसे चंदा ले नहीं रहे हैं, अपने नाम का झंडा पोस्टर बैनर लगाते नहीं है। जो आदमी कह रहा है कि हम किसी के बी टीम का है, बताइए तो यहाँ कोई विधायक है जिस एक दिन भी आया है किसी गाँव में, किसी का खबर लेने आया है? तो जो लोग दो दो बार से तीन तीन बार से जिनके बाप दादा पहले यहाँ विधायक थे, अब खुद विधायक हैं, मंत्री हैं, वो आपकी खबर लेने आ रहे हैं। अब वो कोई आया है तो कह रहा है कि बी टीम है, और आप उसके बाद सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो भोगिए।